So from this lecture, we are going to start a new topic, that is matrices and determinants. Okay, and today we will cover बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल. अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स. अब सपोज कुछ नंबर्स को रोज, ठीक है, अलग अलग रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अगर रेक्टेंगली हम रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. ठीक है, अभी आगे हम डिटेल में इसको समझते हैं. अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, मैथ्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या सिंपल पैरेंथेसिस से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जनरल फॉर्म, अगर इसको जनरलाइज करें तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू, अब ये हमने क्या लगाए हुए हैं यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ए आई जे, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एम क्रॉस एन. अब इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, देखते हैं. अब हमने ऊपर बोला कुछ नंबर्स हैं एम एन नंबर्स, अगर उनको एम रोज और एन कॉलम में रिप्रेजेंट करें तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, उसी बात को हमने यहाँ पे जनरलाइज करके लिखा हुआ है. तो कैसे ये करते हैं देखते हैं. सपोज ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट. अब कुछ नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे कुछ कॉलम में 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो कितनी रोज हो गई इसमें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है, तीन तो रो हो गई. और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5. तो यहाँ पे कितनी रोज हो गई, 3 क्रॉस, कितने कॉलम हैं, 4, 5 कॉलम हैं और 3 रो हैं. तो m क्रॉस n का मतलब है ये, इसका क्या है, ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर से क्या होगा, अगर ऑर्डर गिवन है तो उस मैट्रिक्स में जो m हम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो m इंटू n मीन्स ऑर्डर है. अब इनको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, 3 इंटू 5 दैट इज 15, तो इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उस मैट्रिक्स में. ठीक है, अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 5 3 15, तो टोटल इस मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स होने वाले हैं. ठीक है, यही यहाँ पर इसको जनरलाइज करके लिख दिया है. अब ए आई जी की क्या मीनिंग है देखते हैं. ए इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, अगर सपोज कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है. नेक्स्ट, आई टू विच रो एलिमेंट बिलोंग. अब आई मतलब ए आई जे लिखा हुआ है, तो आई क्या शो करता है कि ये एलिमेंट, जो एलिमेंट ए है, ये किस रो को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अगर मैं सपोज इस 8 की बात करूं, अब ये कौन सी 8, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 8 कौन सी रो में है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो में है, और जे, नेक्स्ट जे टू विच कॉलम इट बिलोंग्स. ठीक है, कौन से कॉलम में है, ठीक है, पहला कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, तो ये दूसरे कॉलम में. ठीक है, अगर ऐसे ही अगर 3 की बात करें इसकी, तो ये सेकेंड रो में है 3, और कौन से कॉलम में, फोर्थ कॉलम में. ठीक है, ये तो ये पोजीशन बताएगा कि एलिमेंट 3 सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में है, तो सेकेंड रो में आए हम, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में, यहाँ पे इस स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ पे दिखाएगा. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू m. ठीक है, तो i की जो पोजीशन होगी वो 1 से तो क्या होगी, बराबर होगी, या 1 से बड़ी होगी, या 1 के इक्वल होगी, और m से छोटी होगी. मीन्स अब यहाँ पे सपोज कितनी रो थी, 3, 3 रो थी, तो i जो पहला एलिमेंट है ये या तो क्या हो सकता है, 1, या ज़्यादा से ज़्यादा 3. ठीक है, अगर ऐसी j की बात करूँ, 1 लेस और इक्वल j इज लेस और इक्वल n. ठीक है, तो j हमारा कॉलम को दिखाता है, अभी हमने बात करी थी, और जो i है वो रो के लिए है. तो यहाँ पे अगर सपोज ये 6 की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें ये कौन सा एलिमेंट है, 6 थर्ड रो का और 5th कॉलम का. ठीक है, थर्ड रो
और फिफ्थ कॉलम, तो ये लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये पोजीशन जो है, आई की वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी और कम से कम वन। और अगर हम जे की वैल्यू देखें तो कम से कम ये कितने होगी, वन, और एट मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम हम देख रहे हैं कितना है, फाइव। तो नेक्स्ट देखते हैं एम क्रॉस एन, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, एम क्रॉस एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स का नाम है ए, और इसका ऑर्डर गिवन है सपोज 5x5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि उस मैट्रिक्स में 5 नंबर ऑफ रोज हैं, 5 नंबर्स ऑफ कॉलम है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे उसमें, 25। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म हमें गिवन थी, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर इसको एक्सपेंड करें तो एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे ऐसे शो होंगे, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। तो ऑर्डर गिवन है हमें, मीन्स हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज होने वाले हैं, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें गिवन है 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 3x2 इज 6। तो इस मैट्रिक्स में 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं। अब एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या गिवन है, ए आई जे, हमने बात करी थी। ए आई जे क्या होता है, ए मीन्स एलिमेंट, आई मीन्स किस रो को बिलोंग करता है वो एलिमेंट, और किस जे मीन्स किस कॉलम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए आई जे की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, i-2j² / 3। तो अब हम वन बाई वन सबसे पहले एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, देन उन्हें मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे उनकी पोजिशन पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आई मेरा कहाँ से, आई की रेंज क्या होगी, ठीक है। सबसे लेस 1 होता है क्योंकि 0 नंबर ऑफ रोज़ होगी नहीं, तो कम से कम एक रो है, तो मीन्स 1 लेस और इक्वल। अब आई क्या दिखाता है कि कौन सी रो को बिलोंग कर रहा है, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एट मैक्स जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, इसकी बात करी थी 3। और ऐसे अगर जे की बात करूँ तो 1 लेस और इक्वल टू जे कि मैक्स वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ कर दूँ तो मेरे को क्या समझ आ रहा है अभी तक, कि मैट्रिक्स में 3 नंबर ऑफ रोज़ होने वाली है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 रोज़ होने वाली हैं। तो रोज़ क्या होती हैं, हॉरिजेंटली होती हैं, और 2 नंबर्स ऑफ कॉलम होने वाले, मीन्स वर्टिकली, 1 एंड 2, ठीक है, 2 नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे ए 1 1 1 2 लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, हमने आई की वैल्यू पुट करी, ठीक है, पहली वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और जे की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, ए 1 1, हम यहाँ से भी देख सकते हैं 1 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट, ए 1 2, ऐसे ही ए 2 1, ए 2 2, ऐसे लास्ट रो 3 1 एंड 3 2, ठीक है, a 3 1 और a 3 2। तो ये तो आगे एलिमेंट्स, अब इनकी वैल्यू जो है, इस जो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इससे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं बात करूँ a 1 1 की, तो a 1 1 की जगह क्या पुट करेंगे, i की वैल्यू क्या हो गई, 1, j की वैल्यू हो गई 1। तो फॉर्मूला क्या है, i-2j, मतलब i की वैल्यू 1, माइनस j भी क्या है यहाँ पे अभी 1, तो 2 into 1 square divided by 3। तो 1 minus 2 is -1, -1 का square again 1 divided by 3। तो a 1 1 क्या आ गया, 1/3। अगर ऐसे ही सपोज मुझे a 1 2 कैलकुलेट करना हो, ठीक है, a 1 2 में i क्या है, 1, j क्या है, 2, ठीक है, ये j हो गया। अब फॉर्मूला वही है, i-2j, मतलब i की वैल्यू 1 माइनस 2 into j, यहाँ अभी हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो 1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4, पहले मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9, और डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 इज 9। तो a 1 2 की जगह क्या लिखेंगे, 3। ऐसे ही हमने हर एलिमेंट कैलकुलेट करना है। अब ये जो नीचे मुझे सबस्क्रिप्ट में गिवन है i और j, ये वैल्यू बस इस फंक्शन में पुट कर देनी है, फंक्शन मीन्स इस फॉर्मूले में,
ठीक है, तो देखते हैं क्या आया हमारा रिजल्ट। ए वन वन की जगह क्या गया, ए वन थ्री, वन टू की जगह थ्री, टू वन की जगह ज़ीरो एंड टू टू की जगह 4/3। ऐसे थ्री वन क्या जाएगा 1/3 और थ्री टू 1/3। बस हमें आई और जे की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब ऑर्डर क्या गिवन है, 2/3, मीन्स एम की वैल्यू क्या गिवन है 2 और एन की वैल्यू क्या गिवन है 3, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज होने वाली हैं, 2, 1 एंड 2, एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम होने वाले हैं, 3, 1, 2 एंड 3। अगर एलिमेंट की बात करूँ, अगर ए से सपोज मैं यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, ए आई जे, तो यहाँ पे आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले के लिए 1 i और j 1, ऐसे 1 2 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 and a 2 3, ठीक है, एट मैक्स 2 रोज एंड एट मैक्स 3 कॉलम्स, ठीक है। तो अब इन एलिमेंट्स की जगह क्या नंबर आने वाला है, वो कहाँ से हम निकालेंगे, ये जो हमको गिवन है, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 2 into 2i minus j whole square। तो फर्स्ट अगर सपोज मुझे ए वन वन कैलकुलेट करना है, इसमें i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 2 into 2 into 1, i की वैल्यू 1 थी, माइनस j की वैल्यू भी 1 है, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 is 2 minus 1 1 1 square is 1 एंड ये आ जाएगा 2। ऐसे ही a 1 2 2 और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 into 1 minus 2 square, ठीक है, तो 2 into 1 is 1 यानी सॉरी 2 minus 2 is 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाना है। ऐसे अगर ए 1 3 निकालेंगे तो ये जाएगा 2 into 2 into 1 minus 3, जे की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 minus 3 is -1, माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1, तो 2 into 1 is 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम बेटर समझ रहे हैं हमें मैट्रिक्स को, तो हम देखते हैं कि एम एस एक्सेल में भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में सेल्स होते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे इससे, ठीक है। तो जो मैंने जितना कलर जितना पोर्शन मैंने येलो किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, 4 into 2 8, ठीक है, 4 नंबर ऑफ रोज हैं, तो 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर पहला सेल क्या हो जाएगा, 1A, ऐसे 1B, 2A, 2B, 3A, 3B एंड 4A, 4B, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, मैट्रिक्स का ही यूज़ है। अगर और कुछ यहाँ पे देखना चाहें हम, इसको मैं कलर कर देता हूँ इतना पोर्शन, सपोज इसको ब्लू, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, कितनी नंबर ऑफ रोज हो गई, 1 2 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये तो था हमारा कुछ बेसिक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, थैंक यू।